कैसी रही यात्रा? बहुत ही थकी थकान पूर्वक यात्रा। क्या आज जाम तो लगा? क्या रही कल, तो बहुत ये प्रोसेस जाम रहता है लगा। इसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का, तो जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है और स्वस्थ है, और आशा करता हूँ आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो क्या है ना कि आज मौसम ने करवट बदल दी है, अपना रूप बदल दिया है, और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा हुआ है और बादल आ रखे हुए हैं, और साथ ही सुबह हल्की हल्की बारिश भी हुई है, और अभी भी गीला गीला है। यहाँ देखो नीचे, ये देखो अभी भी बीच बीच में गीला गीला दिखाई देगा आपको, और इधर उधर का नज़ारा तो आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया, हमारे नेट्स चारों तरफ पड़ गए थे। और मौसम दिखाऊं तो ये देखो बादल हो रखा है चारों तरफ, कभी भी फिर से बारिश आ सकती है, क्योंकि प्रिडिक्शन कर रखी है आज के लिए 80-85% है। ये देखो पूरा गीला हो चुका है। तो आजकल पता क्या है, एकदम से गर्मी हो रही है और एकदम से ठंड हो रही है, जिस वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं। जैसे आज मम्मी भी बीमार है, उनको भी कोल्ड हो गया है इसी वजह से, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है, दिन में फिर हम लोग स्वेटर जैकेट सब उतार देते हैं, सिर्फ कमीज़ और शर्ट और पैंट में घूमते हैं, तो उस वजह से जो है ठंड अंदर रस जाती है, एकदम से शाम को ठंड हो जाती है, तो वो ठंड अपने हमारे अंदर रच जाती है, जिस वजह से बीमारी घर कर लेती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो हमारे शिमला घूमने आ रहे हैं, हमारे बाहर के व्यूवर्स, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिएगा कि शिमला में भी गर्मी है, तो मोटे कपड़े ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मौसम जो है करवट बदल लेता है, एकदम से बारिश हो जाती है और ठंड हो जाती है, जिस वजह से बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा शिमला पहुँचा हुआ है, आज कज़न भी आ रहे हैं दिल्ली से, तो वो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा रश है शिमला में, कम से कम पिंजौर में टोल प्लाज़ा में 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे, वहाँ पे इतना लंबा लंबा जाम लगे हुए, तो काफ़ी लोग शिमला आ रहे हैं। मम्मी बीमार हो गए जुकाम से, और इतना ठंडा हो गया कि हमने गैस हीटर जला दिया, ये देखो गैस हीटर जला हुआ है, और आज मम्मी को जुकाम बुखार हो गया। अभी दवाई खा ली? अभी नहीं खाई, खा लो एक घड़ी रेस्ट कर लो। और ये देखो नितेश और मुन्ना आए, ये लोग स्पेशल दिल्ली से होली मनाने आ रहे हैं। होली मनाने आ रहे कि ठंड में आ रहे? होली मनाने हम आपके लिए ठंड भी लेकर आए, बारिश भी लेकर आए, वो तो है, बर्फ भी हो जाएगी। बर्फ नहीं होनी चाहिए, बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, हमारी जालियां खराब हो जाएगी, इतनी मेहनत खराब हो जाएगी हमारी, तभी लगेंगे जब बर्फ पड़ेगी थोड़ी। वो तो अब को फायदा नहीं है, टूरिस्ट देखने ही बर्फ आया, बर्फ तो गिरानी पड़ेगी। चलो मर्जी, देखो कैसी रही यात्रा? बहुत ही थकान पूरा। क्या जाम लगा? कल बहुत जाम था, जाम था। हाँ कल ऊपर के लिए भी काफी आया टूरिस्ट शिमला के लिए, बहुत ज्यादा। वही बोलते जो क्या पिंजौर टोल प्लाजा है ना, वहाँ पे 15-15-20-20 मिनट का जाम लग रहा, तभी हम जल्दी निकल गए। ठीक किया, फिर यहाँ पे आराम से टाइम पे पहुँच गए। कितने बजे चले चंडीगढ़ से? हम चंडीगढ़ सुबह 6:30 बजे चले। और अब दिल्ली में कैसा मौसम? दिल्ली में तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई। चलो ध्यान रखना, यहाँ पे भी सर्द गर्म हो सकता है ऐसे गर्मी से एकदम ठंडे में। चल भेजते हैं, कुछ दिल्ली के ले जाते हैं, बोले थोड़ी सर्दी ले रहे हैं। और ये देखो पापा शेव कर रहे हैं, अब लगा पापा को टाइम शेव करने का, तो ऐसा ऐसा चला हुआ अभी हमारा। तो ये घड़ी बैठते नहीं थे शोर वंदा के साथ, गप्पे मारते लंच करके, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला एक घड़ी थोड़ी देर इधर टहले, फिर उसके बाद नितेश और वंदा को सी ऑफ किया रोड तक। तो रोड से जैसे मैं ऊपर आ रहा था, वैसे ही पोस्टमैन अंकल मिल गए, पोस्टमैन अंकल वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रोक ली, बोल दिया कि तेरा कुछ सामान आया हुआ है, 2 मिनट रुक जा, मैं सामान यही पकड़ा देता हूँ, फिर घर तक क्यों आऊँगा जब यहाँ पर रोड पर मिल गया। तो मैंने बोल दिया कोई नहीं मुझे दे दो, तो उन्होंने पकड़ाया मुझे ये 2 चीज़ें, एक तो ये आरबी का आधार कार्ड, ये आ गया कि हमने वो बायोमेट्रिक दोबारा से कराई थी आर्मी की, वैसे पहले तो कराई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं प्रॉपर चल रही थी, तो दूसरी बार फिर से बायोमेट्रिक कराई थी, तो ये आधार कार्ड आया। और दूसरा आया है मुझे गूगल की तरफ से लेटर, ये देखो ऋषि भीमता, और ये गूगल की तरफ से मुझे भेजा गया है। और जैसे ही मैंने इसे देखा, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये आया है गूगल की तरफ से एडसेंस पिन, और मैं सरप्राइज हो गया, मुझे
था नहीं कि आने वाला है या कभी भी आ सकता है, एकदम से अचानक आ गया। और जब मैंने देखा गूगल की तरफ से मेरे को एडसेंस आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और अभी तक मैंने खोला भी नहीं है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, आप सबके साथ खेलूंगा, खोलूंगा, आप सबके सामने खोलूंगा। जीप भी लड़खड़ा रही है और काश आंचल भी होती यहाँ पे तो उसे भी और ज़्यादा खुशी होती। तो आंचल शिमला में, आंचल को मैंने इंटीमेट कर दिया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए कि ये जो एडसेंस है आज हमारे पास पहुँचा है और इसके लायक बने हैं। उसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो आप लोगों को ही जाता है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का, जो इतना प्यार दे रहे हैं हमें। तो फाइनली एक अच्छा लगता है जब मेहनत का फल मिलता है ना, एक हिसाब से मेहनत का फल मिल रहा है ये हमारे को। तो आपके सामने खोल रहा हूँ इसको, एडसेंस पिन। हाँ ये रहा एडसेंस पिन। तो इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी हुई है कि कैसे कैसे इसे एंटर करना है और कहाँ कहाँ जा करके, जो कुछ पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी हुई है इसमें बता रखा है कि पहले आपको एडसेंस अकाउंट में जाना है, फिर पेमेंट ऑप्शन में जाना है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन चेक में जाना है और वहाँ पे अपना पिन एंटर करके उसको सबमिट कर देना है। तो अब मैं अपना दूसरा मोबाइल निकालता हूँ और दूसरे मोबाइल पर ये प्रोसेस करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे खोलना है क्रोम। तो क्रोम में जाते ही सबसे पहले हमें सर्च करना है एडसेंस। एडसेंस सबसे ऊपर आ गया है, उस पर क्लिक करते ही हम एंटर हो जाएंगे एडसेंस में। और एडसेंस में अब हमें करना है साइन इन। जिन्होंने पहले साइन इन नहीं कर रखा है वो पहले इसको साइन अप कर ले। और याद रखना साइन अप उसी से ही करना जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो साइन अप करते ही आपका कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। और ये देखो मुझे आ रखा है यहाँ पे मैसेज वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे एक्शन बटन दिया हुआ होता है। एक्शन बटन पे क्लिक करना होता है। एक्शन बटन की क्लिक करते ही खुलती है ये वाली विंडो। और यहाँ पे देखो 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन डालना होता है जो हमारे को बाय पोस्ट पहुँचा हुआ है। तो मैं डालता हूँ इसमें अपने 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड जो मुझे पहुँचा हुआ है। तो ये रहा मेरा 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड, इसको अब सबमिट कर देना है। और इसमें ये भी लिख रखा होता है कि कब भेज दिया गया है आपको ये लेटर जो है 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड का। और ये देखो एड्रेस वेरिफिकेशन मेरी हो चुकी है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बैग जाना है। और जब मैं बैग जाऊँगा तो वहाँ पर जो है इस तरह का मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं बैग जाऊँगा इसको एक बार ऊपर रिफ़्रेश कर दूँगा मैं। तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया है और अब आप देखेंगे कि रिफ़्रेश करके ये जो है मैसेज चला गया। तो अब ये देखो, अब देखते हैं हम एक बार फिर से कि हमारी वेरिफिकेशन होगी कि नहीं ऑप्शन में जा करके। अब मुझे जाना है पेमेंट ऑप्शन में। यहाँ पे यहाँ से नहीं, यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से मैं पेमेंट ऑप्शन में चला गया साइट से। और इसमें देखो यहाँ वेरिफिकेशन चेक में, वेरिफिकेशन चेक में यहाँ पे मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुकी है। बस इतना सा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस रहता है इसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का। तो जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया, पर शॉर्टकट में दिखा दिया, बाकी तो आपको पता ही है बहुत सारी इसमें वीडियोस बनी हुई है इसके बारे में, तो वहाँ से और ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो जो मेन था मैंने चलता चलता आपको दिखा दिया इसमें वेरिफिकेशन चेक करने के लिए। तो जो मेरे यूट्यूब भाई है, भाई बंधु है, जो जो यूट्यूब फैमिली से है, वो सोच सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बन रही होगी, कैसी सिचुएशन होगी मेरी। इस वक्त जो आपकी मेहनत है उसका फल आपके हाथ में आ चुका है। जितना आपने आज तक कोशिश की है, जितना आपने आज तक प्रयास किया है, उसका फल आपको मिल चुका है। तो आप भलीभांति जानते हैं कि कितना आपने इसके लिए स्ट्रगल किया होता है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलो, बहुत सबसे बड़ा तो शुक्रिया आप सभी लोगों का है। बार बार मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे कि क्या बोलूँ मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुका हूँ, जुबान भी लड़खड़ा रही है कि कैसे कैसे अपने खुशी बयां करूँ जो यहाँ तक मैंने हमारे को पहुँचा दिया है, ऋषियांचल ब्लॉग्स को पहुँचा दिया है। और आगे भी ऐसे ही प्रयास दीजिएगा, आगे भी ऐसे ही हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट सामने ला सके, फैमिली से रिलेटेड कंटेंट आगे ले आ सके, अपनी फैमिली ब्लॉगिंग, अपने पहाड़ों की रीति रिवाज, अपना रहने का तरीका, सब कुछ अपने पहाड़ों के बारे में आपको बता सके। तो यही सब बोलूँगा मैं। बहुत 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 आप सबका धन्यवाद। तो चलो ये सब भी हो गया, बस बार बार यही बोलूँगा जो YouTube फैमिली है, जो हमारे यूट्यूबर्स है, वो ही बता सकते हैं इस खुशी का राज क्या क्या इस वक्त फील होता है, क्या अंदर से कैसी खुशी होती है ये। तो चलो
अब बाकी काम करते हैं, दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं और अपना बाकी जो काम रह गया था पेंडिंग वो करते हैं। डिनर करके मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, तो थोड़े लेट भी हो गए हैं क्योंकि कल की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे, कल क्या क्या करना है, क्या क्या काम कराना है हेल्पर से और कौन क्या काम करेगा, पापा की ड्यूटी कहाँ होगी, मेरी ड्यूटी कहाँ होगी, तो ये सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। और मम्मी को भी दवाई दे दी है, दवाई दे के मम्मी को सुला दिया है और स्टीम भी देने रही है क्योंकि गला दर्द भी बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे चली हुई है हमारी दिनचर्या। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते, ब्लॉग को करते यहीं पे फिनिश। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।